हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो, सुरक्षित हो, सेफ हो। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और जुकाम है, तो मेरी थोड़ी सी आवाज भी चेंज हो गई है, अजीब सी आवाज निकल रही है। तो आज मुझे करनी है ये सफाई, अपना बर्तन रखने का जो ये स्टैंड है ये साफ करना है किचन में। अब मेरे ज्यादा जो गंदा होता है वो यही चीज है, यही अब ज्यादा गंदी होती है क्योंकि यही चीज मेरी किचन में बाहर है। अब सब चीज अंदर हो गई है, नीचे भी इनके अंदर है, तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी और जो वो किचन की चिपचिपाहट सी होती है वो हो जाती है। वो नीचे के सामान पर भी नहीं होती और ऊपर भी आपको पता ही है, शीशे लगवा दिए हमने, पहले नहीं थे, अभी 1-2 साल ही हुआ है लगा हुए, तो उससे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। डब्बे जो है ऊपर दाल वाल के ये सारे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते थे, तो अब कुछ नहीं होते, अब तो जाता ही नहीं है कुछ अंदर, तो गंदे भी नहीं होंगे। बस ये स्टैंड ही बाहर है तो ये ही बहुत ज्यादा गंदा होता है, इस पे चिप चिप सी चिपकट सी होती है जो वो हो जाती है, बस यही है। तो इसे मैं आज अच्छे से साफ करने वाली हूँ, पहले इसके सारे बर्तन बाहर निकाल के रखूंगी और फिर से अच्छे से सर्फ से साफ करूंगी। और साथ में मैंने लगाई हुई है बर्तन मांजना बोल रही हूँ, कपड़े धुलने के लिए मशीन, तो मेरे कपड़े भी धुले जा रहे हैं और इसे भी साथ के साथ साफ करती रहूंगी, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे, ये भी साफ हो जाएगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। और जो काम है वो तो मैं इसके बाद ही करूंगी, पहले मैं इसे साफ करूंगी आधे अच्छे से। और जो बर्तन थे खाने पीने के वो मैंने सारे साफ कर दिए हैं, इसी के जो बर्तन है ये साफ करने हैं, इसमें भी जो ये मैंने थोड़े से जो अभी साफ करके रखे हैं वो तो नहीं करूंगी, जो गंदे हो रहे हैं रोज नहीं यूज होते वही वाले मुझे साफ करने हैं। ज्यादा आज मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है, इतना ज्यादा मन नहीं करता, लेकिन त्योहार आ रहे हैं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगी सब। तो चलिए इसके बर्तन निकाल लेती हूँ पहले। और मैंने जब तक स्टैंड के सारे बर्तन निकाले तब तक मशीन ने भी आवाज़ लगा दी मुझे कि आ जाइए, सारे कपड़े धुले जा चुके हैं, इन्हें निकालो और फिर दूसरे कपड़े डालो। तो मैंने स्टैंड ऐसे ही रख दिया, अभी साफ़ करना शुरू नहीं किया था, आपको दिख भी रहा होगा पीछे रखा हुआ, तो पहले बस कपड़ों में लग गई। इसके बाद क्योंकि और भी कपड़े डालने हैं धुलने के लिए, मशीन तो मुझे बंद करनी थी नहीं, अगर कपड़े सारे धुल जाते तो मैं मशीन भी बंद कर देती, तो मैंने ये कपड़े निकाले, खंगाले और ड्राई में सुखाए और अब बस इन्हें सूखने के लिए डाल दूंगी। तो इसके बाद क्योंकि और भी कपड़े डालने हैं सूखने के, तो इन्हें डालते हैं सूखने के लिए और उसके बाद बस स्टैंड ही साफ़ करूंगी और जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे जब तक मेरा स्टैंड साफ़ हो ही जाएगा, जब तक दूसरे राउंड मुझे आवाज़ लगाएगी मशीन दूसरे राउंड पूरा करके, तो जब तक शायद स्टैंड अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं देखिए स्टैंड साफ करने के लिए, और इसकी ये जो बारीक बारीक सी ये सरिया हो या कुछ भी हो मुझे नहीं पता क्या ये है, मैं सरिया ही बोल देती हूँ इन्हें, इन्हें एक एक करके साफ करना पड़ता है, थोड़ा बारीकी काम है इसे सारे को। और मैंने सर्फ ठंडे पानी में नहीं डाला है, मैंने गर्म पानी में सर्फ डाला है जिससे कि ये जल्दी और अच्छे से साफ हो जाए। तो एक बार तो मैं कुछ नहीं से सारे में अच्छे से रगड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसे जो कपड़े धुलने वाला वो ब्रश होता है ना उससे रगड़ूंगी, उससे बहुत और अच्छे से साफ हो जाता है, चमक जाता है अच्छे से, तो सारा साफ हो जाएगा अच्छे से उससे ये। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टैंड सारा साफ हो गया है, मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ किया है ये, और अभी भी मैं ब्रश से ही साफ कर रही हूँ इसे। तो अब इसे अच्छे से पानी से धुलकर तब रखूंगी, और मैंने पानी भरने का मिल्टन भी रखा हुआ है, इसे भी मुझे करना है साफ,
तो स्टैंड हो चुका है साफ, इसका पानी निकल जाएगा तभी रखूंगी। तब तक मैं अपना जो पानी भरने वाला ये मिल्टन है इसे भी साफ कर लेती हूँ। वैसे ये तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि इसे मैं 2 या 3 दिन में कर देती हूँ साफ, क्योंकि पानी भर कर रखते हैं पूरा दिन, इसमें पानी रखा रहता है तो थोड़ा सा इसमें पीलापन सा आ जाता है, इसलिए मैं इसे 2-3 दिन में ज़रूर ही साफ करती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, न्यू रहता है एकदम, ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो इसे भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। और दोनों चीज़ हो गई थी साफ, स्टैंड भी अच्छे से साफ हो गया, मिल्टन भी अच्छे से साफ कर दिया था, और इसमें मैंने पानी भर कर भी रख दिया क्योंकि पानी चला हुआ था ताज़ा, तो मैंने ये भर कर रख दिया। और यहाँ पर जहाँ स्टैंड रखा था, यहाँ के पीछे की टाइल्स तो साफ होती नहीं है रोज़ रोज़, अब ये हटा है तो मैं पीछे से भी अच्छे से साफ कर दूंगी, और इसके जो नीचे के हैं ये भी अच्छे से साफ कर दूंगी, और उसी के बाद बस यहाँ पर स्टैंड लगा दूंगी। तो ये लीजिए जी, हमारा स्टैंड हो गया है साफ सुथरा बिल्कुल एकदम। तो स्टैंड मैंने कर दिया है सेट, सारे बर्तन लगा दिए इसमें, और जो इसके बर्तन गंदे थे जो साफ करने थे मुझे, वो भी मैंने सारे साफ करके इसमें लगा दिए हैं। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज्यादा चिचकट सी जो हो जाती है, वो चिपचिपाहट सी किचन में जो हो जाती है वो बहुत ज्यादा जमी हुई थी। और इसमें एक दो जगह से इसका जो बेल्डिंग है वो टूटा हुआ है, इसे साफ करते हुए हमेशा कहीं ना कहीं मेरे हाथ में लगी जाता है, इस बार भी एक दो जगह तो लग ही गया है, लेकिन अच्छे से साफ हो गया है। बहुत ही ज्यादा चिपचिप सी हो रही थी इसमें, अब अच्छे से चमक गया है बिल्कुल। तो एक इसकी जो टेंशन थी वो तो मेरी हो गई है खत्म, इसके साफ करने की। इसे साफ करना है, जब चीज गंदी हो जाती है तो उसे बस देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी बस इसे साफ कर दें। रोज ही सोच रही थी इसे साफ करने की, कब करूं कब करूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता ना, टाइम निकाल कर ही ये काम करने पड़ते हैं जो फालतू के काम होते हैं। मतलब अब तो सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे, जो रोज रूटीन के काम होते हैं वो तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन थोड़े से काम अलग से भी करने होते हैं, जैसे कि साफ सफाई का। वही तो इसकी एक ये टेंशन मेरी खत्म। और भी मैंने यहाँ पर रखा ये दूध, देख रहे हैं आप, ये उबला हुआ दूध है, अभी उबाल कर रखा है मैंने। हमारा दूध शाम के टाइम आता है, लेकिन कल शाम के टाइम नहीं आया था क्योंकि भैंस ने नहीं दिया था कल, तो सुबह में आया था, तो मैंने अब ये अभी उबाल कर रखा है, इंडक्शन पर उबाला है। इंडक्शन पर मैं ऐसे डब्बे में उबाल लेती हूँ छान कर। तो इसकी सफाई का काम खत्म, दूध भी उबल चुका है, कपड़े भी मेरे ही सारे धुल चुके हैं, साथ साथ मेरी ये सफाई भी होगी, कपड़े भी धुल गए। और अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है, ये काम तो हुआ खत्म, इसकी टेंशन। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आया था सामान बेचने वाला, उसने सूट ले रखे थे, बिन्स ले हुए, सिले हुए, प्लाजो, स्लैक्स, लेडीज सामान था सब, बहुत अच्छा अच्छा सामान लेके रखा था। तो हम सब उसे बुला लिया, और हम सब घर की जो लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं जब कोई ऐसा सामान आता है बेचने वाला, हम सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, तो ले ही लेते हैं, चाहे हमें लेना ना हो, लेकिन फिर भी जब सामान देखते हैं अच्छा लगता है तो बस मन करता है लेने का, तो बस ले लेते हैं। सूट तो हमने नहीं लिया किसी ने भी, क्योंकि करवा चौथ के लिए जिसे लेना था उन्होंने 1-2 दिन और 2-4 दिन पहले मतलब ले लिया है, क्योंकि फिर सिलने में टाइम लगता है। मैंने भी 2 सूट पहले खरीद लिए थे, अब मुझे भी नहीं सूट खरीदने थे, लेकिन मेरे सूट करवा चौथ तक नहीं सिले जाएंगे, दीदी के यहाँ दिए हैं मैंने सिलने को, तो उन्होंने किया है मना कि करवा चौथ तक नहीं सिले जाएंगे, तो करवा चौथ का भी सोचना है, तो इसलिए मैंने बिन सिले सूट तो लेने ही नहीं थे, तो मैंने सूट तो नहीं लिए। लेकिन फिर भी जिस चीज की भी जरूरत भी नहीं थी वो हमने ले लिए, सभी ने लिए हैं, कुछ किसी ने लिया कुछ किसी ने लिया, तो एक एक दो दो चीज हमने सबने ले ली। और मैंने भी देखिए ये लिया है, ये दुपट्टा ब्लैक कलर का, और इस पे छोटे छोटे गोल गोल से बने हुए हैं, ये वाला इस तरह का ये, और मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐसे मेरे पास और भी हैं, और ब्लैक कलर का भी है मेरे पास, और वैसे भी अब ये हल्के हैं, कोई जरूरी भी नहीं थे अब लेने के, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा,
और बहुत शॉर्ट सा इसका कपड़ा है, तो मैंने ये ले लिया। इस तरह का है ये, तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। तो ऐसे ही जब कुछ सामान देखने लगते हैं तो मन आ ही जाता है किसी ना किसी चीज पर। तो बहुत सॉफ्ट है ये, और ऐसे एक ने ऐसा ही लिया है और सबने और थोड़ा चेंज चेंज करके ले लिया कि सभी एक से लोगे क्या। बहुत अच्छे अच्छे थे तो सबने ले लिए, तो ये हुआ है। और अभी करवा चौथ का देखते हैं क्या क्या लेना है। तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पर एंड भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, कोई नहीं देखता, ये तो सबको ही पता है, थोड़ा बहुत ही देखा जाता है। और हवा चल रही है थोड़ी अच्छी अच्छी सी, कपड़े मेरे सारे सूख चुके हैं, तो अब थोड़ी देर में मैं कपड़े भी उतार के रख दूंगी। और चलिए भाई अब करते हैं वीडियो का एंड, और थोड़ा सा आराम करूंगी क्योंकि अब मुझे थकान सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाओ, थकान थकान सी महसूस हो रही है, शरीर ऐसा ही बता रहा है कि थक चुके हैं अब हम। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।